सबसे पहले सही भाइयों को जय हिंद। जय हिंद सर। दोस्तों आप देख रहे हो अपना YouTube चैनल जैन डिफेंस ग्रुप इंदौर। दोस्तों अभी 27 अक्टूबर से 6 नवंबर के बीच में भोपाल में भर्ती होने वाली है अग्निवीर की। उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाना है वो डॉक्यूमेंट्स आपको बताने वाले हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स इंपोर्टेंट है। अभी जैसे कुछ बच्चे अभी क्या है, जैसे धार भर्ती हुई थी उसमें जैसे मऊ अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के अलग अलग दिन बुलाया था, जैसे एक धार डिस्ट्रिक्ट धार वालों को सभी एक दिन बुला दिया था जो जीडी से। अभी क्या हुआ, इस बार जो भर्ती आई है एडमिट कार्ड निकले, जैसे अभी 27 को भर्ती स्टार्ट होने वाली, तो धार जैसे राजगढ़ के फिजिकल 27 को भी है, 28 को भी, 29 को भी, 30 को, 31 को भी, मतलब 4-5 दिन से जो जीडी का फिजिकल होगा वो अलग अलग दिन से सभी एक ही जिले के अलग अलग डिवाइड कर दिया है उन्होंने। तो अभी जैसे बच्चा डॉक्यूमेंट्स लगाया, आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट होता है वो आपको लेके जाना। जब आप अंदर इंटर करोगे तो सबसे पहले आपको चेक करेंगे एडमिट कार्ड, इस प्रकार से एडमिट कार्ड निकला है। और इसकी जो भर्ती है ये है 27 तारीख के दिन, पहले ही दिन इसकी भर्ती है 27 तारीख 10वां महीना 2022। इसको रिपोर्टिंग करना है रात को 12 बजे। और इस ये आधार कार्ड है, ये दोनों चीज़ आपको, ये एडमिट कार्ड कंप्लीट करना है, इसमें वाइट बैकग्राउंड में फ़ोटो लगाना है, आपको 24 फोटो साथ में लेके जाना है। और ये दोनों चीज़ आपको दिखाना है, जब आप इंटर करोगे तो आपको दोनों चीज़ दिखा के इंटर होगी, वहीं आपकी हाइट होगी, इसके बाद आपको अंदर ले लिया जाएगा। जो भी आप डॉक्यूमेंट्स लगेंगे इसके बाद ये थंब इंप्रेशन होगा वो भी आपका इसी के माध्यम से होगा। थंब इंप्रेशन के बाद जो भी डॉक्यूमेंट्स लगने हैं वो रनिंग के बाद लगने हैं। रनिंग के बाद कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, आधार कार्ड, एडमिट कार्ड, इसके बाद आपको 10-12 का मार्कशीट, ये आपकी मार्कशीट होगी 10-12 की। इसके बाद आपका यदि आप जनरल से तो कास्ट सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं पड़ेगी, बाकी ओबीसी जनरल, ओबीसी, एससी और एसटी की कास्ट सर्टिफिकेट जरूरत पड़ती है। और इसके बाद हो गया आपका ये एफिडेविट, आपने देख सकते हो ये 50 रुपये का स्टाम्प पे एफिडेविट बनेगा इस प्रकार से, और आपको मैं खोल कर दिखा दूँ, इस प्रकार से एफिडेविट बनेगा ये, जो आप तहसील में जाकर बनवा सकते हो, ये एफिडेविट हो गया। इसके बाद ये हो गया स्थायी प्रमाण पत्र, इसको मूल निवासी प्रमाण पत्र बोलते हैं। और चरित्र प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र 4 जगह से बनता है, ये रखो बाकी डॉक्यूमेंट, या तो आप स्कूल से बनवा लो, स्कूल से नहीं बन रहा तो कॉलेज से बनवा लो, यदि कॉलेज से भी नहीं बन रहा है तो आप सरपंच के द्वारा, या आप शहर में रहते हो पार्षद बना के देता है चरित्र प्रमाण पत्र, वो आप बनवा सकते हो। यदि तीनों जगह से नहीं बन रहा तो आप अपने थाने से बनवा सकते हो, 4 में से कोई सा भी एक जगह आपको चरित्र प्रमाण पत्र लेके जाना है, वो ओरिजिनल इस प्रकार से आपका लगेगा, ये इसने बनवाया ग्राम पंचायत यहाँ पर सरपंच का, और सिक्योरिटी का साइन और उनके सील साइन है। ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है जो आपको लेके जाना है। और आज के वीडियो में इतना ही, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं वो जल्दी नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद। जय हिंद सर।